जय भवानी दोस्तों, आज एक लिनोवो का ऑल इन वन कंप्यूटर है। इसका स्क्रीन का प्रॉब्लम है, मैं आपको चालू करके बताता हूँ। इसको देखिए, इसका स्क्रीन डिस्प्ले जो है डैमेज हो गया। इसका स्क्रीन चेंज करके आपको बताता हूँ कैसा करने का, इसको ओपन भी कैसे करने का आपको बताता हूँ। और इसका मॉडल नंबर है HF0BB, 1 TB 4 GB रैम के साथ में है। मैं इसको कैसे ओपन करने का वो बताता हूँ। सबसे पहले तो अब मैं ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ इसको, क्योंकि डिस्प्ले मंगाने के लिए उसका पार्ट नंबर चाहिए अपने को। इसे ओपन करके पार्ट नंबर भेजना पड़ेगा अपने को। सबसे पहले नीचे इसका दो स्क्रू रहेगा, देखो ठीक है, ए साइड में और ए साइड में, दोनों साइड में रहेगा स्क्रू। सबसे पहले आप दो स्क्रू निकालने के बाद साइड में से निकालना पड़ेगा इसको। इधर से मैं ऑलरेडी वो खोल चुका हूँ, फिर भी थोड़ा सा एक दो जगह पे लॉक किया हूँ मैं ऑर्डर करने के लिए। ओपन करने के बाद संभाल के ओपन करने पड़ेगा। इसका स्क्रीन साइड में रहता है, वायर निकलना नहीं चाहिए साइड फटक से। ये होगा इसका स्क्रीन, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, डीडीआर, लैपटॉप का रैम दिया DDR3 का, और हार्ड डिस्क बड़ा दिया अपने को, डेस्कटॉप का हार्ड डिस्क दिया और डीडीआर लैपटॉप का दिया, दो स्पीकर नीचे, ठीक है। लैपटॉप ही है लेकिन स्क्रीन बड़ा रहने से अपने को ऐसा ऑल इन वन सिस्टम बनाया है हमने। वाईफाई कार्ड, सबसे पहले अब इसको निकालना पड़ेगा। इसका पार्ट नंबर चेक करेंगे, 8182011010 FRE। ओके राइट, सिर्फ स्क्रीन ही दिया, वायर वीर कुछ भी नहीं आया इसके साथ में, सिर्फ स्क्रीन। इसको निकालने के लिए लॉक रहता है, लॉक निकल के लगाने का, नहीं तो डैमेज हो जाएगा स्क्रिप्ट, LED का स्क्रिप्ट जो है डैमेज हो जाएगा। ये साइड में स्क्रू है इधर, पीछे स्टिकर दिया पूरा, रिवर्स बैक का स्टिकर। सामान के निकालने का नहीं तो इसका बॉडी जो है डैमेज होगा। इसका जूना स्क्रीन,
और कुछ प्रॉब्लम रहेगा आपका कोई भी सिस्टम के बारे में तो मेरे को कमेंट कीजिए, कमेंट में रिप्लाई करूँगा मैं। लेकिन हर प्रॉब्लम का अलग अलग सोल्यूशन रहता है, जो मैं वीडियो देता हूँ वो सिर्फ उसका ही प्रॉब्लम है, जो लैपटॉप जो जिसका भी सिस्टम है लैपटॉप जो प्रॉब्लम आते हैं उसका सिर्फ सोल्यूशन रहता है। एक एक प्रॉब्लम का अलग अलग सोल्यूशन रहता है। अब डिटेक्ट आर्टिस्ट डिटेक्ट नहीं हो रहा है इसका मतलब आर्टिस्ट प्रॉब्लम नहीं रह सकता है, केबल का प्रॉब्लम रह सकता है, पावर का प्रॉब्लम रह सकता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, सब कुछ दे रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं है एक ही सोल्यूशन से पूरा कंप्लीट होएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक प्रॉब्लम का हर एक सोल्यूशन रहता है। जरा इसको क्लीन करके लेके आया हूँ मैं सिस्टम को, इसको लगाएंगे, इसको लगा के चेक करेंगे फिट करने से पहले। सक्सेस हो गया। ये आपको ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू। मैं इसको फटाफट फिट कर लेता हूँ।